दिक्कत खाने की परेशानी, पानी पीने की परेशानी, एकदम मंदा हो जाता है किसानों के लिए, बहुत नुकसान पहुंचता है। आज खेत में उबर हो रहा, लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। क्या नाम कहता हूँ? असलम। 150 रुपये खुराक बैठ जाइए आदमी, मंजिल मजदूर आदमी, क्या कमा के ले जाएगा यहाँ से? क्या करते हो आप? सब्जी बेच रहे हैं। किसान हैं आप? हाँ। क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत खाने की परेशानी, पानी पीने की परेशानी। 20 रुपये की बोतल दे रहे हैं पानी पीने के लिए, 70 रुपये का दाल दे रहे हैं सब्जी, दाल हो गई सब्जी 70 रुपये दे रहे हैं एक प्लेट। यहाँ गाय का आराम दे रखा है उन्होंने, डके धोने मंडी समिति वाले ठेकेदार, ठेकेदार 2000 रुपये उसके चाय वाले, 2000 रुपये उसके लेते हैं चाय वाले से, चाय बेचने वाले 2000 रुपये उसके लेते हैं, बिरयानी बेचने वाले 1200 रुपये उसके लेते हैं बिरयानी बेचने वाले से। तो आदमी कहाँ से खावेगा फिर? जो कमा रहा वही खावेगा। क्या दिक्कत आ रही, क्या बेचते हैं आप, किस चीज़ के? सब्जी, सब्जी का ठिया हमारा उधर पल्ली तरफ हो रहा, चाय की दुकान के पास। हाँ। किसान है आप? हाँ किसान है। कहाँ रहते हैं? हम गुदावट ही रहते हैं। अच्छा, रोज आते हैं सब्जी में? हाँ रोजाना आते रहते हैं, यही उसमें सोचते ठेले पे। सब्जी में क्या क्या है? सब्जी में सब चीज़ लाओ दिखाऊँ मैं तुम्हारे को, इंडिये भिंडिये तुरंगे हैं, मशरूम है, हरी मिर्च है, सब सौदा बेचते। दिक्कत हो रही? दिक्कत ना हो क्या, दिक्कत कितनी देर थकूँ मैं तुमसे। नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला, आप देख रहे हैं NTV निष्पक्ष। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी मंडी। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से महंगाई दरें बढ़ रही हैं, सब्जियों के क्या भाव हैं, किस तरीके से यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इन सब्जियों को लेने को मजबूर है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कितनी सही चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से लोगों को सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का, किसानों को किस तरीके से यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है, कहाँ कहाँ से सब्जियाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हम आप पहुंचे हैं मंडी, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मंडी है, यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या वजह है, आखिरकार क्या महंगाई बढ़ गई है, आखिर क्या वजह है कि इन मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? हसन मोहम्मद है मेरा नाम। ये इसलिए सन्नाटा है भाईजान के, ये दुकानदारी इसलिए फ्लॉप हुई पड़ी है, एक तो गर्मी की वजह से थोड़ा एक माल नहीं आ रहे सही, महंगाई इसलिए है कि दिन के दिन होती जा रही है, इसलिए महंगाई होती जा रही है भाई कि आदमी के पास खेती खा रही है गाय, वही है, जब माल नहीं आ पा रहा तो महंगाई तो खुद पे खुद होगी, ये है मसला भाई। किसान कहाँ कहाँ से आते हैं? किसान तो हर एक जगह के आते हैं, यहाँ से आते हैं, राजनगर से आते हैं और मेरठ से आते हैं, हर एक जगह के आते हैं, जहाँ से जहाँ जहाँ माल होता है वहाँ वहाँ के सारे आते हैं किसान आते हैं। क्या माहौल है इस मंडी का? ऐसा है भैया मंडी का, इसका कभी तो तेजी बनी रहती है, कभी मंदा हो जाता है, एकदम मंदा हो जाता है, किसानों के लिए बहुत नुकसान पहुंचता है, किसानों को नुकसान बहुत पहुंचता है। अभी प्याज की इस कदर दुर्गति है भाई, पानी के पैसे नहीं आ रहे लोगों के। कितने रुपए किलो है प्याज? अभी बिक रही है 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये किलो बिक रहा है, 8 रुपये किलो। अभी भी खराब हो रही है प्याज ज्यादातर। आज का रेट तो देखो आम तो बहुत डाउन पेमेंट है, लेकिन जब आंधी की वजह से सस्ता आया आम ना, तो आम तो 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिक रहा है मंडी में कच्चा आम। सब्जियां सस्ती हो गई? सब्जियां, टमाटर सस्ता है और बाकी बैंगन भी सस्ता है। आज खेत में उबर हो रहा, लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, नहीं खरीद रहे, सस्ती हो रही खेत की सब्जी, ले कहाँ जाएंगे? किसान है आप? हम भी किसान है, खेती करते हैं करेड़ा में। क्या लेकर आए थे आप? पालक लेके आए थे। कितनी लेके आए? एक मन लेके आए। कितने में बेचे? 30 रुपये 40 रुपये धड़ी बेका, नहीं बिका तो सस्ता बिक रहा है। खाद महंगी हो रही, पानी महंगा हो रहा, सब कुछ महंगा हो रहा, बचत क्या हो रहा किसान को, मजदूर के भी पैसे ना निकल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार क्या करेगी और कोई क्या करेगा, जब लोगों के पास पैसे रहेंगे तभी तो। अब लोगों के पैसे खाते में जा रहे हैं, पहले तनख्वाह हाथ में मिलती थी, अब खाते में जा रहे हैं, वो खाते से उतने ही निकाल पा रहा, जहाँ पेटीएम की बात आती है हर आदमी के पास पेटीएम नहीं है, परेशान है आदमी, सब्जी नहीं ले पा रहे। लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं, गरीबों के लिए सारी परेशानियाँ भैया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर राणा। कहाँ रहते हो? कस्बा कांदला, जिला मुजफ्फरनगर। किसान हैं आप? जी, माल ले गए आम। कौन सा माल लेके आए? कच्चा आम ले गए, हवा का झड़ गया। क्या है कच्चा आम का रेट? बहुत बुरा हाल है आम बागों वालों का भी, इस टाइम पे इतना कम से कम 50% से ज़्यादा नुकसान है, 50 लाख रुपये के बाग में 25 लाख रुपये भी पूरे नहीं होंगे।
अच्छा, कितनी मेहनत लगती? मेहनत तो ये लगा लो पूरे साल के साल आदमी लगा रहता है बागों में, और इस अब लगा लो ये पूर्ति मुश्किल से होगी। महंगाई की इतनी मार है कि हद से ज़्यादा। आम तो सस्ते हैं जी, आम तो सस्ते हैं। आम सस्ता है तो इसी तो है ना महंगाई, आम क्योंकि हवा का जड़ा हुआ सस्ता है, वैसा सस्ता तो आम है नहीं जो बाहर का आ रहा है। जो अभी तो गुठल भी नहीं पक्की है आम की, और पहले से पहले झड़ गया। पीछे जो आम बारिश हुई है जो कोहरा खराब हो गया था, अब जो है जो वो आया है वो हवा के पर झड़ गया। 50 लाख रुपए में 15 लाख रुपए भी इकट्ठे नहीं होंगे अब के, इतना हाल खराब है बागों का। किसान तो मारा ही गया, आम आदमी भी मारा ही जा रहा है महंगाई में, क्योंकि मजदूरी नहीं लग रही किसी की, तो मजदूर भी परेशान है, आम आदमी तो ज़्यादा ही दिक्कत में इस टाइम। इतना चल रहा आम आदमी इतना परेशान के महंगाई की वजह से भी, और बेरोजगारी की सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं, किसान हैं, सभी ने बताया कि इस समय जो सब्जियों के रेट हैं बिल्कुल सस्ते हो गए हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक खबर से एनटीवी निष्पक्ष आपको रूबरू कराता हुआ लगातार नजर आ रहा है। कैमरामैन महेश के साथ एनटीवी निष्पक्ष, गाजियाबाद।